हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। आज का टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में अगर हमें विंडोज 11 अपग्रेड करना है या क्लीन इंस्टॉल करना है तो वो कंपैटिबल है विंडोज 11 के लिए कि नहीं। ये जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे चेक करेंगे कि उसमें विंडोज 11 इंस्टॉल सक्सेसफुली हो पाएगा कि नहीं, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे, कृपया वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर सकते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय आप कोई भी गलती कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो को चाहे पॉज कर करके देखिए, लेकिन कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल पे मेरी पिछली काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं, कुछ प्लेलिस्ट भी हैं, जाइए और उन वीडियोस को देखिए, सभी जानकारी को प्राप्त कीजिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सभी लेटेस्ट वीडियो इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, उसी तरीके से विंडोज 11 की भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं। ब्राउज़र पे हम गूगल खोल लेते हैं। तो ब्राउज़र पे आने के बाद आप google.com को ओपन करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज 11। ये पहला लिंक आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे आप और ये आपके सामने कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है या कहीं पे भी नोट डाउन करके रख लेनी है। में क्या दे रखा है, टू इंस्टॉल और अपग्रेड टू विंडोज 11 डिवाइस मस्ट मीट द फॉलोइंग मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रोसेसर, प्रोसेसर की जानकारी दे रखी है, मेमोरी की जानकारी दे रखी है और स्टोरेज की जानकारी दे रखी है, ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बताया है। इसके अलावा सिस्टम फर्मवेयर कैसा होना चाहिए, TPM की जानकारी दे रखी है, डिस्प्ले होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट हैं या सिस्टम रिक्वायरमेंट हैं हमारे विंडोज 11 के लिए। किसी भी सिस्टम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली जानकारी है प्रोसेसर की, प्रोसेसर हमारा होना चाहिए 1 GHz का या उससे फास्टर, विद 2 or more core ऑन ए 64-bit कंपेटेबल प्रोसेसर। यानी कि हमारा प्रोसेसर जो होना चाहिए वो 1 GHz या उससे फास्टर होना चाहिए, जिसमें 2 cores होनी चाहिए मिनिमम। अगर 2 cores से कम है तो वो सिंगल कोर प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा विंडोज 11। प्रोसेसर 64-bit सपोर्टेड होना चाहिए और 1 GHz से फास्टर होना चाहिए। रैम इसमें होनी चाहिए 4 GB की या उससे ग्रेटर। स्टोरेज होना चाहिए 64 GB या उससे ग्रेटर। अवेलेबल स्पेस हमारा डिस्क पे होना चाहिए, चाहे हार्ड डिस्क है चाहे SSD है, वो 64 GB से ज़्यादा स्पेस की होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड कंपेटेबल होना चाहिए विद DirectX 12 वर्जन या उससे बाद का वर्जन होना चाहिए। फर्मवेयर हमारा जो कि BIOS का फर्मवेयर होता है, यानी BIOS हमारा UEFI सपोर्टेड होना चाहिए, सिक्योर बूट कंपेटेबल होना चाहिए, यानी सिक्योर बूट ऑप्शन उसमें इनेबल होना चाहिए। TPM ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ये TPM वर्जन 2.0 होना चाहिए, ये भी मदरबोर्ड का एक ऑप्शन है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो होने चाहिए। फिर अगला ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले सपोर्ट करेगा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, 720 पिक्सल, 9-inch का डिस्प्ले होना चाहिए या उससे ग्रेटर साइज का मॉनिटर होना चाहिए।
लिए डिस्प्ले के बारे में बताया गया है और इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नेसेसरी टू परफॉर्म द अपडेट एंड टू डाउनलोड एंड यूज सम फीचर्स, यानी कुछ फीचर अपडेट्स या जो सिस्टम अपडेट्स देते हम इंस्टॉल करते टाइम विंडोज 11 को, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है विंडोज 11 को इंस्टॉल करते समय, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी पूछेगा आपसे, अगर नहीं है तो उसी टाइम आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जब आप विंडोज इंस्टॉलर यानी उसका सेटअप जब हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। तो ये कुछ हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट थी और इनको हम अपने सिस्टम पे कैसे चेक करेंगे चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपने विंडोज 10 के सिस्टम पे हूँ तो मेरे सिस्टम में क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही कि नहीं कैसे देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम अपने सबसे पहले अपने डिस्क पीसी या फाइल मैनेजर को ओपन कर लेंगे। तो डिस्क पीसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लैंक जगह पे प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए विंडोज एडिशन दे रहा है 10, जैसे कि मैं विंडोज 10 पे हूँ। प्रोसेसर सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो सब कुछ प्रोसेसर से ही होने वाला है। प्रोसेसर सपोर्टेड होगा तो हमारा मदरबोर्ड भी सपोर्टेड होगा। तो प्रोसेसर यहाँ पे दे रखा है हमारा 11th जनरेशन, कि मेरा 11th जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर है, ये मॉडल नंबर है प्रोसेसर का 1145G7, ये मॉडल नंबर है। और जो फर्स्ट टू डिजिट है उससे जनरेशन का पता लग रहा है। अगर यहाँ पे 11 जनरेशन लिखा नहीं भी होता तब भी हम ये फर्स्ट टू डिजिट से जान सकते हैं कि कौन सी जनरेशन का हमारा प्रोसेसर है। तो मेरा 11th जनरेशन का है, 2.6 GHz का है। जो रिक्वायरमेंट में यहाँ पे मेंशन था कि प्रोसेसर चाहिए आपको 1 GHz या उससे फास्टर, मेरा है 2.6 GHz और कोर दे रखे हैं इसमें मोर देन 2 cores या मिनिमम 2 core होना चाहिए, 64-bit प्रोसेसर सपोर्टेड होना चाहिए। तो मेरा प्रोसेसर यहाँ पे देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit सपोर्टेड, 64x64 बेस्ड प्रोसेसर है, यानी मेरा 64-bit सपोर्टेड प्रोसेसर ऑलरेडी है इसमें। रैम देख रहे हैं 16 GB है, मिनिमम इसमें रिक्वायर्ड जो होती है वो होती है आपकी 4 GB रैम, देख सकते हैं आप मेरी 16 GB है यानी ग्रेटर है उससे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर डिस्क की बात करें, चलिए मैं आपको डिस्क भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरी सी ड्राइव है, आप देख रहे हैं 223 GB की है, ये 240 GB की पूरी हार्ड ड्राइव है। तो ये हमारी डिस्क स्पेस 64 GB रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरा सिस्टम ये सभी चीज़ें को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपको एक और अदर इंफॉर्मेशन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है सीपीयू के बारे में, कि आप अगर कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप मार्केट में परचेज करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेसर सपोर्टेड रहेगा कि नहीं विंडोज 11 के लिए। तो प्रोसेसर लिस्ट भी रिलीज करता है माइक्रोसॉफ्ट और ये अपडेटेड रिलीज रहती है, ये जानकारी को भी आप जान सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे विंडोज सीपीयू लिस्ट, पहला लिंक जो आएगा इस लिंक पे राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में खोल लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी विंडोज प्रोसेसर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी विंडोज के क्लाइंट एडिशन 7 से लेकर के 10 और 11 सभी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। ये लिस्ट काफी लंबी है आप देख सकते हैं, और प्रोसेसर की भी सारी लिस्ट दे रखी है। जैसे AMD प्रोसेसर मार्केट में आता है, इंटेल का आता है, क्वालकॉम आता है, तो ये सभी की लिस्ट आप विंडोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें इन विंडोज 11 के बारे में जानना है, विंडोज 11 वर्जन 22H2 के बारे में, तो ये AMD का लिंक है। AMD प्रोसेसर की सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी जो कि विंडोज 11 सपोर्टेड प्रोसेसर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर का ब्रांड है, ये मैन्युफैक्चरर नेम है, ये मॉडल नंबर है। इसी प्रकार से आप इंटेल का भी जान सकते हैं विंडोज 11 के लिए, ये है इंटेल का लिंक प्रोसेसर के लिए। यहाँ पे सभी इंटेल प्रोसेसर की लिस्ट है जो विंडोज 11 सपोर्टेड है, जैसे कि एटम है, सेलरॉन है, आप देख रहे हैं काफी लंबी लिस्ट है। मॉडल नंबर सभी के दे रखे हैं, ब्रांड नेम दे रखा है, मैन्युफैक्चरर दे रखा है, कोर सीरीज आ गई, देखिए कोर i3 की प्रोसेसर चल रहे हैं यहाँ पे, सभी के मॉडल दे रखे हैं, कोर i5 है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, ये
डेली बेसिस पे ये अपडेट रहती है लिस्ट, आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी प्रोसेसर इस लिस्ट में आ रहा है कि नहीं, चलिए हम देख लेते हैं। तो मेरा प्रोसेसर है i5 में, हम देख लेते हैं मेरा प्रोसेसर 11th जनरेशन है, इसमें शामिल है कि नहीं ये लिस्ट में। चलिए मेरा प्रोसेसर आप देख लीजिए 11th जनरेशन है, मॉडल नंबर है 1145G7। ये देखिए 1145G7 i5। तो ये मेरा प्रोसेसर इस लिस्ट में शामिल है, यानी मेरा प्रोसेसर फुली कंपैटिबल है। तो इस प्रकार से मैंने जान लिया कि मेरे लैपटॉप में जो भी प्रोसेसर है वो विंडोज 11 सपोर्टेड है कि नहीं। इसी प्रकार से आप भी देख लेंगे मार्केट में जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आप खरीदने जाएंगे, उसमें पहले आप देखेंगे इसी प्रकार से सिस्टम इंफॉर्मेशन में कि पहले उसमें एडिशन कौन सा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी विंडोज 10 है कि 8 है कि 7 है। और शॉपकीपर आपसे बोलेगा कि ये सपोर्टेड है कि नहीं, वो बता देगा, नहीं तो आप खुद चेक कर सकते हैं उसके प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन लेकर के, और रैम बाकी सारी जानकारी आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट से पता लगा लेनी है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप विंडोज 11 की चेक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके, और प्रोसेसर लिस्ट आप यहां से मैच कर लेंगे प्रोसेसर मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरा था 1145G7, ये ऐसे ही आप पता लगा लेंगे। और जो फाइनल तरीका है इसका जानने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जैसे ही हम विंडोज ISO को डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, सेम वही मेथड है, जैसे मैं google.com पे जाऊँगा, यहाँ पे डालेंगे विंडोज 11 डाउनलोड, साइट पे जैसे ही जाएंगे पहले लिंक पे, तो यहाँ पे देखिए देता है बिफोर इंस्टॉलिंग प्लीज रिफर टू द पीसी हेल्थ चेक ऐप। तो इस ऐप से आप जानकारी ले सकते हैं कि आप जिस सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडोज 11 वो कंपैटिबल है कि नहीं। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस लिंक को ओपन कर लेंगे, तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहां से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, वहां से इन लिंक की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया यहां से, इसको मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये मेरे डाउनलोड हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करूंगा, इंस्टॉल करूंगा इस एप्लीकेशन को, लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए बोल रही मैं आई एक्सेप्ट करूंगा इसको, इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं डेस्कटॉप पे, मैंने इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया है। आप इसको स्टार्ट मेनू में भी जा करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। पीसी हेल्थ चेक पे क्लिक करा स्टार्ट मेनू में जाके, ये ऐप खुल गई। यहाँ पे दे रहा है आपको लेट्स चेक इफ पीसी मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट। जैसे कि मेरे अभी सिस्टम पे आप देख रहे हैं विंडोज 10 इंस्टॉल है होम एडिशन। अब मुझे अगर इस पे 11 इंस्टॉल करना है तो इस ऐप के थ्रू मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा चेक नाउ पे, और ये बताएगा मेरा सिस्टम मीट करता है रिक्वायरमेंट विंडोज 11 के लिए कि नहीं, या ये 100% कंपेटेबल है कि नहीं। तो देखिए ये दे रहा है दिस पीसी मीट 11 विंडोज 11 रिक्वायरमेंट्स। मेरा पीसी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है विंडोज 11 के लिए। सी ऑल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो सभी कंपोनेंट दिखा देगा, यानी जो भी हार्डवेयर इसमें रिक्वायर्ड है वो मीट कर रहा है सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विंडोज 11 के लिए कि नहीं, ये सारा कुछ दिखा रहा है। देखिए मेरा पीसी सिक्योर बूट सपोर्ट करता है, TPM 2.0 इनेबल्ड है इसके अंदर, प्रोसेसर है मेरा 11th जनरेशन i5 2.6 GHz, 4GB रैम जो कि मैंडेटरी होती है विंडोज 11 के लिए, मेरी 16GB ऑलरेडी है इसमें, ये भी पास कर रहा है, 64GB से लार्जर पार्टीशन है मेरा, 240GB का स्टोरेज है इसमें, मिनिमम 64GB चाहिए, प्रोसेसर 2 कोर का होना चाहिए मिनिमम, यहाँ पे मेरा 4 कोर का है। आप
जब भी देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो बताई हैं, तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का ध्यान रखेंगे आप, कंपैटिबिलिटी चेक कर लेंगे इन टू मेथड से जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और किसी भी सिस्टम को परचेज करने से पहले आप विंडोज़ 11 अगर उस पर चाहते हैं तो ये जानकारी आप प्राप्त करके उसी सिस्टम पे सारी जानकारी को चेक कर सकते हैं कि वो सिस्टम जो आप परचेज करने जा रहे हैं लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है, उसका प्रोसेसर क्या है, वो सारी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा या कंपैटिबल है विंडोज 11 के लिए या नहीं। तो इस वीडियो की हेल्प से आप ये सारी जानकारी पता लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि ये वीडियो है और इसका टॉपिक था हमारा कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, हमें पता चले कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है विंडोज 11 जेन्युइनली इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन विंडोज 11 आप अनसपोर्टेड पीसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये इंफॉर्मेशन दी है कि विंडोज 11 अनसपोर्टेड हार्डवेयर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैंने वर्चुअल मशीन पे करके दिखाया था VMware के अंदर। उस वीडियो का भी लिंक आपको ऊपर आई कार्ड बटन पे मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भविष्य में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्टेड जो भी हमारे हार्डवेयर है या जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप हैं जिन पे कि विंडोज 11 की सिस्टम रिक्वायरमेंट मीट करती है, उस पे कैसे विंडोज 11 हम अपग्रेड या इंस्टॉल करेंगे, या नॉन सपोर्टेड सिस्टम जो हैं विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट जो मीट नहीं करते हैं उन पे भी हम विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस कर रखा है अपनी साइट पे ऑफिशियली कि विंडोज 11 के अपडेट्स नॉन सपोर्टेड सिस्टम के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तक ये अपडेट्स हम फुली तरीके से इंस्टॉल और रिसीव कर सकते हैं, हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं आपको भविष्य में ये वीडियो बना के दूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टेक्निकल जानकारी के लिए। और सभी व्यूअर से आशा रखता हूँ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी नए व्यूअर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो निरंतर मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और अपने कमेंट करने के लिए मैं अभी आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिए और जुड़े रहिए टेक इंडिया फॉर यू चैनल से। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।